गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने मुगल कालीन के समय में आए हुए यूरोपीय यात्रियों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है हम भारत में तुर्कों के आक्रमण को पढ़ेंगे कि किन किन स्थानों पर या किन जगहों पर किस तरह से तुर्कों के आक्रमण भारत में हुए या किस सदी में हुए, इसके बारे में। ठीक है, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो पहुंचती रहे। और हम ऐसा करेंगे कि एक एक करके बंटवारा कर करके पढ़ेंगे। जैसे अगर एक साथ हम लोग कंबाइंड पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो वो चीज़ क्या होता है कि समझ में पूरी तरीके से नहीं आता। लेकिन अगर उसी चीज को हम बांट करके पढ़ें तो क्या होता है कि हमें वो चीजें एग्जैक्ट पता हो जाती हैं और अच्छे से हमको समझ में भी आ जाता है, जिससे आगे पढ़ने में काफी सहायता मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पढ़ना है भारत में तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, हम लोग पढ़ना है हिस्ट्री, ठीक है, और पढ़ेंगे हम लोग भारत में तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, इनको जब हम बांटते हैं तो ये पहले दो तरह से बांटते हैं। जैसे भारत में जब तुर्कों के आक्रमण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि भारत के लिए हिंदू शब्द का उच्चारण किसने किया था या किस तरह से किया गया था। ठीक है, तो हम पहले इस पर बात कर लेते हैं हिंदू शब्दावली पर, यानी कि भारत को हिंदुस्तान या हिंदू किसने कहा, हिंदू शब्द का प्रयोग। ठीक है, इसको दो भाषा में हम लोग बांट करके इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले में हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू शब्द का प्रयोग। ठीक है, और दूसरे में हम लोग देख लेते हैं कि यामिनी वंश या गजनी वंश का भारत में आक्रमण। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं गजनी वंश या इसी को यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है, यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक को भी हम देख लेंगे कि संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो जैसे यामिनी वंश का संस्थापक अल्पत गीन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अल्पत गीन, जो कि सुबुकुत गीन का पुत्र था। ठीक है, तो इस समय कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हिंदू या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम अरबों ने हिंदू शब्द का प्रयोग या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था भारत के लिए। तो पहले में हम देख लेते हैं कि यानी कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। ठीक है, अरबों ने किया था, उसके बाद ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। जब ईरानियों का आक्रमण हुआ भारत पर, तो ईरानियों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा, हिंदुस्तान रखा या इसे हिंदुस्तान कहा। ठीक है, हिंदुस्तान कहा, उसके बाद यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, ईरानियों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा।
यूनानियों ने इंडिया कहा। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं भी लिखी गई, या मतलब कहा जाए कि यहां से शोध जो प्राप्त हुए कि इंडिया दैट इज अ भारत, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। 1949 में जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, उस समय इस शब्द के ऊपर लगभग 100 कुछ बार बहस हुआ था कि इसका नाम भारत आगे किया जाए कि इंडिया आगे किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि उस समय तत्काल में सोने तो बहुत सारे थे, बहुत प्रयोग भी हुए, लेकिन कोई एक निश्चित मानक ना मिलने के कारण इसे इंडिया शब्द का प्रयोग अधिकतम बार किया गया, जिसे भारत न कह करके इंडिया कहा गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ, उस नाम के ही आधार पर वहां पर भारत एवं अगर कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम के रूप में इसे कहा गया। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण की अगर हम बात करते हैं, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हमारा हुआ वह मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, जो कि 711 से 712 के बीच में हुआ, 711 से 712 ईस्वी के बीच में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण हुआ है, ठीक है। उसके बाद 712 ईस्वी में सिंध पर, जहां की उस समय राजा दाहिर सेन का शासन था, दाहिर सेन को पराजित करने के बाद वहां सिंध पर आधिपत्य इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, यानी कि 712 ईस्वी में आधिपत्य दाहिर सेन को पराजित करने के बाद वहां के राजा दाहिर सेन को पराजित करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया। अब हम बात करते हैं गजनी वंश या यामिनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का, जो कि सुबुकुद्दीन के क्या थे, पुत्र थे। अल्पतगीन का पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनवी, जिसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। इसने भारत पर पूरे 17 बार आक्रमण किया। अल्पतगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और यह जो 17 बार आक्रमण की लेखनी, यानी कि किसके द्वारा लिख करके यह मिलती है, तो वह है इलियाड के अनुसार, इलियट के अनुसार, इलियट के अनुसार, ठीक है। इलियट ने ही कहा था अपनी लिखी गई रचना के द्वारा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। अब अगर हम इनमें अरबों के आक्रमण की बात करें, तो उस समय तत्काल में इनके आक्रमण का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, लूटपाट, अर्थात भारत से धन को ले जाकर के अपने देश को और अमीर बनाना, और क्या करना, अमीर बनाना, ठीक है। जैसा कि हम जब प्रारंभ में ही पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि उस समय साहित्यिक स्रोत में, तो उत्वी द्वारा इनके जो साहित्यकार थे उनका नाम था उत्वी, उत्वी की दो रचनाएं थी जिसमें हमने आप लोगों को बताया ही है, किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी, दो पुस्तक इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तारीख ए सुबुकुद्दीन, तारीख ए
यहां आप सभी को नोट हो गया होगा, इसके आगे हम लिख देते हैं, ये यहीं का की था आपका, तारीख ए, ए सुबोकुत गिन, सुबोकुत गिन ये एक पुस्तक का नाम है। इसके अगर हम रचनाकार की बात करें कि लिखा किसने था, इसके लेखक हैं चौहाकी, इनका नाम था चौहाकी, ये इनकी रचना है जो सुबोकुत गिन के बारे में बताती है, ठीक है। यही चौहाकी या इन्हीं को कहीं कहीं बैहाकी मिलता है, बैहाकी को ही उत्तर का पेप्सी कहा जाता है, उत्तर का पेप्सी, और ये कहा जाता है लेन पुल के अनुसार, लेन पुल के अनुसार, ठीक है। गजनवी की उपाधि इन्हें बाद में मिली, यामिन उद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह जो कि बगदाद के खलीफा थे, उन लोगों ने ही इन्हें गजनवी की उपाधि दी, ठीक है, दो लोगों ने मिलकर के। तो अगर हम इनके गजनवी की उपाधि की हम बात करते हैं, जैसे क्या होता है कि उपाधि का माना क्या होता है कि जो हम किसी द्वारा सरोकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, कोई एक पदवी या प्रतिष्ठा दिया जाए, उसी प्रकार यानी कि भगवान के मानक के स्वरूप, ठीक है। तो इन्हें यामीन उद्दौला तथा यामीन उद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह, आमीन उल मिल्लाह, इन दोनों लोगों ने इन्हें गजनवी की उपाधि से अगर कहा जाए सजोया था, यानी कि बनाया था, देकर के कहा था, ठीक है। तो इन्हें उस समय का खलीफा भी कहा जाता था, इसका मतलब खलीफा यानी कि भगवान का देवदूत। जैसे जब आप कहीं पढ़ेंगे देवदूत की बात आती है, या कहते हैं कि भगवान के आदेशानुसार हम यहाँ पर शासन कर रहे हैं, ये सारी बातें जो कही जाती है वह कहीं ना कहीं एक उपाधियों से या मतलब भगवान के तरीके से जोड़ करके मतलब कहने की बात हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप सभी के सामने आ गया होगा। अब जैसे हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद गजनवी, ठीक है, तो अब हम मोहम्मद गजनवी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो कि गजनी वंश का था, इनके पिता का नाम सुबोकुत गिन था, जो कि अल्पत गिन द्वारा इस वंश की संस्थापना की गई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम इनके दरबारी की बात करते हैं, इनके दरबारी को पहले हम बता चुके हैं कि उदवी थे,
जो कि किताबुल यामिनी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। उसके बाद इनके दरबार में कौन से विद्वान रहते थे, ठीक है, तो इनके दरबार में ही फिरदौस रहते थे, फिरदौस जिन्होंने शाहनामा की रचना की, शाहनामा की रचना की, ठीक है। और इन्हें आगे चल करके पूर्व के होमर की उपाधि दिया गया, पूर्व के होमर की उपाधि दिया गया, होमर की उपाधि दिया गया, ठीक है। उसके बाद हैं प्रसिद्ध इतिहासकार, ठीक है, जो इनके मतलब श्रेणियों में आते हैं, क्या इनको बताने का कार्य करते हैं। हमने पहले कहा आप लोगों से हम अलग अलग करके सारे पार्टों को निकालेंगे और उसे पढ़ेंगे, जिससे हमको अच्छी तरह से सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। तो प्रसिद्ध इतिहासकारों में यानी कि इतिहासकार, इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। इतिहासकार में पहले आते हैं अलबरूनी, जो कि 11वीं सदी के यानी कि 11वीं सदी में इन्होंने भारत की यात्रा इनके समय में किया। कौन है? अलबरूनी, अलबरूनी, ठीक है, 11वीं सदी। जब ये आए समय तत्काल में, तो यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यानी कि प्रथम बार पुराणों का अध्ययन किया। तो हम इसे कह सकते हैं पुराणों का अध्ययन करता, पुराणों का अध्ययन करता, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करता हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसने अरबी भाषा में एक रचना की यानी कि तारीख तहकीकाते हिंद की रचना की, तहकीकाते हिंद इसकी लिखी हुई पुस्तक है। जब इन्होंने पुराणों की अध्ययन किया यानी कि पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उसी पुराणों के ही पुस्तक को एक बना करके इसने उसको नाम दिया तहकीकात ए हिंद। तो इसके रचना में जो आता है वो है तहकीकात ए हिंद, तहकीकात ए हिंद इसकी लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। अब अगर इन पे हम बात करते हैं तहकीकात ए हिंद के, तो इसी तहकीकात ए हिंद की अंग्रेजी वर्णन यानी कि अगर हम कहें कि इसी को पहले इसको फारसी में लिखा गया, फिर इसको अलबरूनी द्वारा, उसके बाद इसी को हिंदी यानी कि इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिखा गया, और जो हिंदी में कन्वर्ट करके लिखने का कार्य किया उनका नाम था एडवर्ड सांची, एडवर्ड सांची, एडवर्ड सांची, एडवर्ड सांची ने इसे इंग्लिश में लिखा यानी कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, तहकीकाते हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। इसके बाद है आक्रमण, यानी कि इन्होंने कैसे कैसे किस तरह से आक्रमण किया, ठीक है। इनके अब हम आक्रमण देख लेते हैं भारत में। आक्रमण, ठीक, तो हम पॉइंट वाइज इनकी बात करते हैं। तो भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण पूरे 17 बार हुए, गजनवी का आक्रमण 17 बार हुआ, 17 बार हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह जो
हुआ आक्रमण यह 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक हुआ। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक हुआ, ठीक है। इनके यानी कि गजनवी के हाथों पराजित होने वाले पहले राजा जयपाल थे। कौन थे? जयपाल, जो कि 1001 ईस्वी में पराजित हुए। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पराजित हुए। राजा जयपाल पराजित हुए, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का अभियान, यानी कि उसके बाद इसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है, और यह आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में हुआ, ठीक है। यानी कि इसमें आक्रमण जो हुआ वह 1025 से लेकर 1026 ईस्वी तक सोमनाथ के मंदिर पर हुआ, और उस समय तत्काल में भीम द्वितीय वहां का शासक था। भीम द्वितीय वहां का, भीम प्रथम जो कि सोलंकी वंश का शासक था, ठीक है। भीम प्रथम का शासन सोमनाथ मंदिर में उस समय था। भीम प्रथम यह सोलंकी वंश का था। सोलंकी वंश का राजा था, ठीक है। तो गजनवी ने भीम प्रथम को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहां के पुजारियों को मारा और अनेक यानी कि बहुत से स्वर्ण चांदी हीरे मोती जवाहरात को उठा करके वहां से लेकर के गया, ठीक है। तो यह जब रास्ते में जा रहा था तो उसी समय उसी के बीच में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद इसको लूट लिया, जिनमें से कुछ धन जाटों द्वारा इनसे निकाल करके हटा दिया गया, जिनसे जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उसके तत्काल बाद यह जाटों के विरुद्ध अगला अपना अभियान भेजा, यानी कि खुद वह आया। यानी कि अब हम बात करें 17वें यानी कि अंतिम आक्रमण की, जो भारत में हुआ वह जाटों के विरुद्ध हुआ और यह 1027 ईस्वी में था। 1027 ईस्वी में था। महमूद का अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण यह इनका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, जो कि यह 1027 ईस्वी में था। किसमें था? 1027 ईस्वी में, ठीक है। इसको मूर्ति भंजक या बुद्ध किशन भी कहा गया है, एक उपनाम के तौर पर इसे दिया गया है गजनवी को, मूर्ति भंजक यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि यह जिस पर आक्रमण करता था वहां की मूर्तियों को यह पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता था, यानी कि तोड़ करके पूरी तरह से समाप्त कर देता था, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरा आक्रमण हम लोगों को पढ़ना है वो है मोहम्मद गोरी का,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।